आज पूरे भारत में धूमधाम से 67वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजपथ पर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सैन्य ताकत, संस्कृति और कला की झलक देखने को मिली। 67वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर देश का विराट रूप दिखा। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने। खास बात ये रही कि गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार फ्रांस का सैन्य दस्ता शामिल हुआ। 90 मिनट तक चली परेड में 23 झांकियों के जरिए देश की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने परेड की सलामी ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना के प्रमुखों की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से इस बार का समारोह 115 मिनट से घटाकर 90 मिनट का कर दिया गया था, लेकिन यह समारोह 96 मिनट तक चला। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शहीद लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते समय सेना के विशेष बलों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। राजपथ पर लांस नायक गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी अशोक चक्र लेने पहुंची। पिछले साल 2 सितंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ लांस नायक गोस्वामी के 2 साथी घायल हुए थे। गोस्वामी घायल होने के बाद भी अपने साथियों को बचाने और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने न केवल 2 आतंकियों को मार गिराया बल्कि घायल साथियों की भी जान बचाई। मुठभेड़ में वो बुरी तरह घायल हो गए और 11 दिन बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। आपको बता दें, इस बार 2 सैनिकों को कीर्ति चक्र जबकि 8 सैनिकों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। रिपब्लिक डे परेड के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ बॉलीवुड की कई हस्तियों ने लंच भी किया। ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान समेत बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने आज पब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ दिल्ली में लंच किया। लंच के दौरान ओलांद ने बॉलीवुड आर्टिस्टों के साथ फिल्मों पर भी चर्चा की। इस लंच का आयोजन भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांसवा रिचियर ने किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पिछले कई साल से फ्रांस में होने वाले कास फिल्म फेस्टिवल में शामिल होती रही हैं। उन्हें साल 2012 में फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान दिया था। वहीं फ्रेंच गवर्नमेंट ने शाहरुख खान को साल 2007 में ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड दिया। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को साल 2014 में सर्वोच्च फ्रेंच सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। देश की सरहदों पर भी गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मना। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई सौंपी। दूसरी तरफ बांग्लादेश से लगते फुलवाड़ी बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने मुबारकबाद दी। अटारी में झंडा फहराने के बाद बीएसएफ के जवानों ने जोरदार जश्न मनाया। परेड देखने आए स्कूली बच्चे भी इस जश्न का हिस्सा बने। पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर तनाव के कारण भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को मिठाई नहीं दी थी। 2014 में बकरीद के मौके पर पाकिस्तान ने भारत की मिठाई नहीं ली थी। इसके बाद भारत ने दिवाली के मौके पर पाकिस्तान की मिठाई नहीं ली। भारत 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे मौकों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करता है। दिवाली, होली, ईद जैसे त्योहार पर भी भारत पड़ोसी देशों को मुबारकबाद देता है। 67वां गणतंत्र दिवस आज कई मायनों में अनोखा और खास रहा है। पहली बार कई चीजें इस समारोह में शामिल की गयी। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार किसी विदेशी सेना ने हिस्सा लिया। परेड में पहली बार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के फाइटर वर्जन रुद्र का भी जलवा दिखा। रुद्र ने फ्लाई पास्ट में शामिल होकर सलामी दी। रिपब्लिक डे की परेड में पहली बार पूर्व सैनिकों की झांकी को भी शामिल किया गया। इस झांकी को शामिल करने का मकसद देश के विकास में पूर्व सैनिकों के योगदान की झलक दिखाना था। राजपथ पर हुए समारोह में पहली बार चुनाव आयोग की भी झांकी दिखी। परेड में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के लिए मोटराइज्ड ग्लास रूफ का इस्तेमाल किया गया। बारिश से बचने के लिए मोटराइज्ड ग्लास रूफ का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फ्लाइट पास्ट के वक्त ये ग्लास रूफ हट गया। नौसेना की झांकी में मेक इन इंडिया स्कॉर्पिन पनडुब्बी कलवरी की झलक दिखाई थी। साथ ही स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत की भी झलक दिखाई दी।
67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज राजस्थान के बीकानेर में परेड के दौरान एक हादसा हो गया। इस हादसे में राजस्थान पुलिस के जवानों की बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, जबकि एक को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के तुरंत बाद सीएम वसुंधरा राजे और डीजीपी मनोज भट्ट ने घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना। आपको बता दें कि जिस दौरान यह हादसा हुआ, उस वक्त बीकानेर के करनी सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का समारोह चल रहा था। इस मौके पर राज्यपाल कल्याण सिंह, सीएम वसुंधरा राजे और डीजीपी समेत तमाम लोग मौजूद थे। बहादुरी को दुनिया सलाम करती है, लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों वीरता पुरस्कार से सम्मानित शख्स को भीख मांगनी पड़े। यूपी के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री से वीरता पुरस्कार पाने वाला एक छात्र भीख मांगने को मजबूर है। अपने इलाज के लिए ओम प्रकाश यादव नाम का छात्र लोगों से मदद की भीख मांग रहा है। साल 2010 में स्कूल वैन में आग लग गई थी। ओम प्रकाश ने 8 छात्रों को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। इसी बहादुरी के लिए ओम प्रकाश को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन आज वही बहादुर ओम प्रकाश अपनी जिंदगी बचाने के लिए दर दर भीख मांगने को मजबूर है। मैं स्कूल जा रहा था पढ़ने के लिए वैन मारुति से, और वैन मारुति में आग लग गई, और उसके बाद बच्चे छोटे थे, फिर वो चिल्ला रहे थे, फिर उसके बाद मैं भी उसी वैन बैठा था। मैं उतर कर फिर ड्राइवर भाग निकला, फिर मैं उन बच्चों को 8 बच्चों को बचाया, और उसके बाद कोई सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए कोई उपाय करें? बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने बड़ा बयान दिया है। आडवाणी ने कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर आडवाणी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ये कहकर सरकार का बचाव किया कि देश में बोलने की आजादी किसे नहीं। असहिष्णुता के मुद्दे पर आडवाणी ने कहा कि जब देश में ब्रिटिश राज था तब बोलने की आजादी पर पाबंदी नहीं लगी, तो आज कौन कह सकता है कि आजादी नहीं है? भारत देश में बोलने की आजादी नहीं है, ये कौन कहता है मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो कम से कम अंग्रेज के समय में भी हमने कभी बोलने की आजादी को रुकने नहीं दिया। कांग्रेस ने जवाब दिया और कहा कि आडवाणी का यह बयान सरकार का बचाव करने के लिए आया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सुधीन कुलकर्णी के मुंह पर काली पोती थी, उस वक्त आडवाणी ने देश में असहिष्णुता बढ़ने की बात कही थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित स्कॉलर रोहित बैमुला की सुसाइड पर सियासत और विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में विरोध कर रहे कई छात्रों को गिरफ्तार किया है। रोहित बेमुला के सुसाइड पर आज भी हैदराबाद में हड़ताल और छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी रोहित की मौत पर प्रदर्शन किया। अंबेडकर स्टैच्यू पर प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों को बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। इस वक्त हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये शर्मनाक नहीं है। वही एससी कमीशन के चेयरमैन पीएल पुनिया ने कहा कि विपिन श्रीवास्तव को यूनिवर्सिटी के कुलपति की जिम्मेदारी देना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। ये जले पर नमक छिड़कने वाला है, जिसमें 5 छात्रों को निष्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया, उस कमेटी का अध्यक्ष ये प्रोफेसर श्रीवास्तव थे। रोहित बेमुला ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि उसकी मौत पर किसी भी तरह का हंगामा ना हो, लेकिन उनकी इन बातों को ना तो नेता समझ रहे हैं और ना ही उनके साथी। इंटॉलरेंस के मुद्दे पर बयान देकर विवादों में फंसे एक्टर आमिर खान ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी सफाई पेश की है। आमिर ने कहा कि वो इसी देश में पैदा हुए हैं और इसी देश में वो मरेंगे भी। आमिर के मुताबिक इंटॉलरेंस के मुद्दे पर उनके बयान को काफी तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था, लोगों को इसकी गलत जानकारी दी गई। आमिर ने यह भी कहा कि उन्होंने या उनकी पत्नी ने कभी भी देश छोड़ने की बात नहीं की। इससे पहले अक्षय कुमार ने इंटॉलरेंस को लेकर जारी बयानबाजी की आलोचना की थी। अक्षय ने कहा था कि हर देश में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन लोग उस बारे में नहीं बोलते, वो सिर्फ गलत चीजों की तरफ इशारा करते हैं। लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूँ एक्चुअली, और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था।
तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं उनकी नाराजगी मैं समझता हूं। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में एक कार्यक्रम के दौरान आमिर खान ने इंटॉलरेंस के मुद्दे पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया था कि उन्हें ये देश छोड़ देना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल सब्सिडी वाली अटल पेंशन योजना को लोगों ने खास पसंद नहीं किया है। इस योजना को लेकर लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पिछले साल 9 मई को लॉन्च हुई इस योजना में 31 दिसंबर 2015 तक 20 लाख से भी कम लोगों ने खाता खुलवाया है, जबकि इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ खाते का लक्ष्य दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जिन वर्गों के लिए इस योजना का डिजाइन किया हुआ है उसमें जागरूकता नहीं होने की वजह से इसकी संख्या ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि इस योजना की अवधि बढ़ा देने से इसके लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी 2016 तक 18 लाख 99 हजार बैंक खाते ही खुल पाए हैं, जबकि दिसंबर 2015 तक 2 करोड़ बैंक खातों का खोलने का लक्ष्य था। महाराष्ट्र के शिंगणापुर शनि मंदिर में पूजा के लिए जा रही भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को पुलिस ने नहीं जाने दिया। शिंगणापुर से 70 किलोमीटर दूर सूबा में महिलाओं को पुलिस ने रोका और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद भूमाता ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में सभी आंदोलनकारी महिलाओं को छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। पिछले साल नवंबर में एक महिला ने शनि चबूतरे पर तेल चढ़ाया था, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने चबूतरे का शुद्धिकरण किया। इस घटना को कुछ महिला संगठनों ने महिला स्वाभिमान से जोड़ लिया था और आज चबूतरे पर प्रवेश का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से भूमाता ब्रिगेड की मुहिम कामयाब नहीं हो पाई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर 8 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्धों की फुटेज मिलने के बाद पुलिस महकमे ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में जहां एक ओर गणतंत्र दिवस का उल्लास दिखाई दिया, वहीं राजधानी देहरादून में 8 संदिग्धों के नजर आने के बाद पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया है। अलर्ट के मद्देनजर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में वीवीआईपी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अमूमन साधारण सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखाई देने वाले सीएम हरीश रावत की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी सहित सूबे के खुफिया तंत्र को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही 8 संदिग्धों की वीडियो और 1 संदिग्ध का फोटो भी उन्हें उपलब्ध कराया गया है। वहीं पुलिस महकमे ने सूबे की सीमाओं पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाने के साथ देहरादून, हरिद्वार और सूबे के अन्य स्थानों में अलर्ट जारी किया है। जहां एक ओर पुलिस ने केंद्र से लेकर राज्य के खुफिया तंत्र को सतर्क कर दिया है, वहीं पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि अगर कहीं किसी को असामान्य दिखाई दे तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। यूपी एटीएस ने 24 घंटे पहले लखनऊ के आशियाना इलाके से कस्टडी में लिए गए शकील को आखिरकार छोड़ दिया है। 24 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस को उसके पास से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। लखनऊ के आशियाना इलाके में आरपीएफ का कैंप है, वहां पर शकील उन्हें वर्दी बेचने के बहाने गया था और वहां की कुछ तस्वीरें उसने ली थी। आरपीएफ की शिकायत पर एटीएस ने उसे कल कस्टडी में लिया था। लंबी पूछताछ के बाद जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें इसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं पाए गए, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। यूपी एटीएस ने अभी कुछ दिनों पहले आईएसआई से जुड़े अलीम नाम के शख्स को लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों को कुछ आतंकवादियों के घुसने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया। उसके पास से AK-47 राइफल बरामद की गई है। हालांकि इन आतंकियों की संख्या कितनी थी इसकी जानकारी अब तक नहीं चल पाई है। हालांकि सुरक्षा बल अभी भी आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें खुफिया एजेंसियों ने 26 जनवरी को आतंकी हमले की आशंका जताई थी। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर देश भर में अलर्ट है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गैस गीजर ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। गैस गीजर की वजह से यहां 2 लोगों की मौत हो गई। अल्फा 2 सेक्टर में रहने वाले सतीश सैनी के इकलौते बेटे चेतन और उनकी बहू किरण की लाश बाथरूम में नग्न अवस्था में मिली।
जानकारी के मुताबिक सोमवार को जब चेतन और किरण दोपहर तक अपने कमरे से नहीं निकले तो परिवार को शक हुआ। उन्होंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों की लाश बाथरूम में पड़ी हुई थी। मृत्यु का कारण दम घुटना आ रहा है। दम घुटने का कारण यह है कि उन्होंने अभी एक गीजर लगाया है गैस का, वो बाथरूम के अंदर है। अभी कुछ दिनों पहले ही सतीश सैनी ने अपने बेटे चेतन की शादी हापुड़ की रहने वाली किरण के साथ धूमधाम से की थी। वहीं पुलिस को शक है कि नव दंपति की मौत बाथरूम में लगे गैस गीजर से हुई होगी। 99% यही उम्मीद है उसी गैस के कारण, गैस गीजर से दम घुटने से भी। पुलिस को गैस गीजर से मौत का शक इसलिए भी है क्योंकि वारदात वाली जगह से पुलिस को किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर के गांव में लड़ाकू विमान से 5 बम गिर गए। बम गिरने से तेज धमाके हुए जिनकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनने को मिली। कई मकानों में दरारें भी आ गई। बाड़मेर के बालोतरा में गुगड़ी गांव के पास सेना के युद्धक विमान से 5 बम अचानक गिरने से दहशत फैल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 10 किलोमीटर के दायरे में सुनाई पड़ी। धमाके से गांव के 4 मकानों में दरार आ गई। पुलिस मौके का मुआयना कर रही है और बम गिरने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। गुगड़ी गांव में निवासरत है, उन्होंने इतला दी कि उन्हें कोई एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये छोटे छोटे टुकड़े वहां गिरे हुए हैं जिन्हें इकट्ठा किया गया। गांव में बम गिरने की घटना को काफी गंभीर माना जा रहा है। सेना और वायुसेना इस मामले की जांच में जुटी हैं।